लेकिन फाइनली आज पीसीबी ने पाकिस्तान का 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर दिया है अगेंस्ट इंग्लैंड, जो हमारे टीम टेस्ट मैचेस हैं उनके लिए। और एक और खबर आ रही है, वो ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान पीसीबी चाह रहा है कि पिचेस को, जिसे कहते हैं करेक्ट पिचेस यूज की जाए स्पिनर्स को, जिनपे मदद हासिल होगी। अब सवाल ये कि क्या पाकिस्तान के पास स्पिनर ऐसे पड़े हुए हैं, क्या पाकिस्तान के पास ऐसे अच्छे स्पिनर्स हैं? हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया जब पाकिस्तान आई थी तो ऑस्ट्रेलिया के जो स्पिनर्स थे नथन लियन हो गए, ये हम पे हैवी पड़ गए थे, ये हमसे खेले नहीं जा रहे थे। तो क्या हमारे पास ऐसे स्पिनर्स हैं जिनको हम, जिसको कहते हैं इंग्लैंड को पकड़ सकेंगे? तो इसका भी जवाब मैं आपको आगे चल के दूंगा। हेलो दिस इज वली, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं जरा पाकिस्तान का जो 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसकी बात करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, मैं अभी से बता देता हूं आपको, मैं इस स्क्वाड से हैप्पी नहीं हूं, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं, क्योंकि इनमें जो इन्होंने 6 चेंजेस किए हैं उसके अलावा जो 6 बंदों को इन्होंने निकाला उनमें से 2-3 तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। उनको क्यों निकाला, किस बात पे निकाला मुझे समझ नहीं आ रही। चले मैं आपको बता देता हूँ टीम पाकिस्तान की। बाबर आजम कैप्टन है, मोहम्मद रिजवान हो गए, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली, अबरार अहमद, मोहम्मद अली, शान मसूद, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज, नुमान अली, साउद शकील, जाहिद महमूद, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान अली, आगा सरफराज अहमद। ये हो गए ये प्लेयर्स के नाम है। अब जरा उन प्लेयर्स पे आते हैं जिनको इन्होंने टीम में सिलेक्ट किया और बिचारों को बाहर किया है। सबसे पहले तो फवाद आलम को इन्होंने टीम से निकाल दिया। मुझे कोई बता दे फवाद आलम को क्यों टीम से निकाला है? वो हमारी बैकबोन बना हुआ है पिछले 2 साल से टेस्ट मैच की, उसको आपने टीम से निकाल दिया है। एक उसका जिसको कहते हैं कि सीजन जो इंग्लैंड के अंदर था वो अच्छा नहीं रहा था टेस्ट सीरीज का, तो उसकी बेस पे क्या उसको निकाला है? तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि फवाद आलम, जब आपका अजहर अली तो चल नहीं रहा, आप फवाद आलम को फिर किस बेस पे निकाल रहे हो? निकालना था तो अजहर अली को निकालते, क्योंकि अजहर अली की जगह आप शान मसूद को खिला सकते थे। आपके पास ओपनर तो सेट है, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक हो गए, नंबर 3 पे आप शान मसूद को खिलाते, नंबर 4 पे बाबर आजम खुद आता, नंबर 5 पे मोहम्मद रिजवान आता, नंबर 6 पे फहीम अशरफ या कहते हैं मोहम्मद नवाज हो गए, ये आ सकते थे। लेकिन आपने फवाद आलम को निकाल के अजहर अली को प्रेफर किया, ये मुझे समझ से बाहर है। दूसरा जो इन्होंने एडिशन किया है जी, आप देख सकते हैं मोहम्मद वसीम जूनियर। मोहम्मद वसीम जूनियर का फर्स्ट, अब जी पीसीबी कहती है कि ना हमने ये किया डिसाइड डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे। अगर आपने डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे किया है तो मोहम्मद वसीम जूनियर की एक परफॉर्मेंस देख लें और दूसरी तरफ मीर हमजा की परफॉर्मेंस देख लें। मीर हमजा ने कितना इंप्रेस किया, एक अरसे से वो डोमेस्टिक के ऊपर राज करता आ रहा है, उस लड़के बेचारे को चांस ही नहीं मिल रहा। उसको क्यों नहीं चांस मिल रहा? आप वसीम जूनियर को चांस दे रहे हैं जिसका तो फर्स्ट क्लास का भी एक्सपीरियंस नहीं है, टेस्ट मैचेस में उसको क्या एक्सपीरियंस होना जो उसका फर्स्ट क्लास का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मीर हमजा का एक्सपीरियंस तो आप देखें, ये भी छोड़ दें, अभी पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान ना जिसको कहते हैं स्पिन जो हेल्पफुल पिचेस होंगी उनको लेकर आएगा। अब जो स्पिनर्स के लिए पिचेस होंगी उनमें हमारे पास कौन से स्पिनर है? हमारे पास तो अभी मुझे जो नजर आ रहा है एक नुमान अली है, आपने यासिर शाह को निकाल दिया, आपने साजिद खान को निकाल दिया, तो आपके पास तो स्पिनर है ही नहीं। एक टाइम हुआ करता था पाकिस्तान के पास बड़े जबरदस्त किस्म के स्पिनर हुआ करते, सईद अजमल हो गया, अब्दुल रहमान हो गया, दानिश कनेरिया हो गया, मोहम्मद हफीज हो गया, शाहिद अफरीदी एक टाइम पे स्पिनर हुआ करते थे। तो ये वाले जो स्पिनर थे अब नहीं है हमारे पास, हमारे पास तो है ही नहीं कुछ। यासिर शाह एक टाइम पे बड़ा राज किया करते थे लेकिन आज उनका भी जिसको कहते हैं फॉर्म वैसी नहीं है। लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक नुमान अली मुझे नजर आ रहा है जो कि अच्छी बॉल कर सकता है और विकेट निकाल सकता है, उसके अलावा तो कोई इसको सपोर्ट के लिए मुझे नजर ही नहीं आ रहा। जाहिद महमूद हो गए, इतना कोई अरसा से खेलते आ रहे, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं इन्होंने दिखाई हुई, और भी बड़े नाम है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है ना। अब आप देखें सरफराज अहमद की टीम में वापसी हुई है, सरफराज अहमद तो बड़े अरसे से पाकिस्तान की टीम में वापसी कर रहा है, लेकिन उस बेचारे को खिलाओ भी तो सही ना, अब उसको खिलाएं टीम के अंदर, क्यों नहीं उसको खिला रहे, किस वजह से उसको नहीं खिला रहे? फिर आप कहते हैं कि हमने सेट कर लिया हुआ है कि हमारे पास यही जिसको कहते हैं विकेट कीपर बल्लेबाज है मोहम्मद रिजवान, हम नहीं खिला सकते। तो फिर जब आपने उसको सिलेक्ट किया तो आप उसको खिलाएं भी टीम के अंदर, सरफराज अहमद को फिर खिलाएं टीम के अंदर, क्यों नहीं खिलाते उसको? सिलेक्ट कर लेते हैं, वो हमारा वो कैप्टन है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई हुई, नंबर 1 पे हमारी टीम को पहुंचाया हुआ है, ऐसे तो ना सलूक उसके साथ करें। तो ये बड़े ज्यादा नाम है आप देख सकते हैं इसके अंदर। हारिस रऊफ का एडिशन किया कि शाहिनशाह अफरीदी की जगह, हारिस रऊफ को देखने के वो टेस्ट मैचेस में कैसी बॉलिंग करते हैं, क्या उस कैलिबर की बॉलिंग कर सकते हैं, ये भी सवाल है। अब जो पाकिस्तान है, अगर ये इस स्क्वाड को देखा जाए ना, तो मुझे जहां पर कमी नजर आ रही है पाकिस्तान की, वो मुझे स्पिन डिपार्टमेंट में कमी नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता कि इनके पास नुमान अली या और भी हो गए स्पिनर, ये ऐसे स्पिनर्स हैं जो टफ टाइम दे सके। अगर तो पाकिस्तान जो कह रहा है कि 3 पिचेस जो है वो स्पिन पिचेस बनेंगी, तो फिर आपको स्पिनर्स भी अच्छे लेने चाहिए थे।
फिर आपको बेस्ट स्पिनर पाकिस्तान के लेने चाहिए थे, आपको चाहिए था कि आपके पास नवाज तो है इस वक्त, नवाज आप बॉलिंग अक्सर करवाते नहीं है, लेकिन नवाज भी आपके पास, नुमान अली भी है, दोनों मुझे लगता है कि एक ही तरह के बॉलर्स हैं। आपको एक लेग स्पिनर यहाँ पे चाहिए था, जाहिद महमूद है लेग स्पिनर, लेकिन उससे बेटर मैं समझता था यासिर शाह था। लेट्स सी, देखते क्या होगा। पाकिस्तान का जो पहला टेस्ट है 1 दिसंबर को है, इंग्लैंड 2 से 3 दिन के अंदर पाकिस्तान आ जाएगी, वो भी जिसको कहते हैं पहले आ जाएंगे। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ये वाले 3 टेस्ट मैचेस जीत सकता है, तो ये समझ से बाहर है, क्योंकि हमें याद है ऑस्ट्रेलिया हमें घर के अंदर हरा के चली गई थी, 2 टेस्ट मैच ड्रॉ कर दिए थे, 1 टेस्ट मैच हम हार गए थे। तो हम जिसको कहते हैं कुछ भी नहीं कह सकते, पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पाकिस्तान 4 में से 3 टेस्ट मैच भी जीत जाता है और 1 ड्रॉ कर देता है तो पाकिस्तान फाइनल खेल लेता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम कर सकते हैं ये, तो ये आपने जरूर बताना है। तो ये पाकिस्तान का स्क्वाड था, मैं इससे जिसको कहते हैं पाकिस्तान की जो टीम है इससे मैं स्पिन के डिपार्टमेंट से खुश नहीं हूँ, बाकी टीम अच्छी है, और हाँ फवाद आलम को नहीं निकालना चाहिए था, तो ये मेरी राय है। आपको क्या लगता है कि आप हैप्पीएस्ट इस स्क्वाड से, जरूर बताएं मुझे कमेंट्स के अंदर। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, फीफा वर्ल्ड कप भी शुरू हो गया, तो फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी वीडियोस मैं तैयार कर रहा हूँ, होप सो आपको वो भी पसंद है। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।